आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवा करता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह के प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्र किया। इसे छोटा सा जीवन इतना भी लंबा जाएगा तो 70 में तो 80 साल प्रभु हमारा वजन गाता है। आजकल उतना लोग जाता नहीं, इतना छोटा जीवन है प्रभु। और ये जीवन प्रभु ने हमें किस लिए दिया? आनंददाता का तैयारी के लिए। सब लोग ये बात को नहीं समझता। हमारा आपको सबको मालूम है जब नवे वचन संहिता का 12 वचन में अपना हमको अपने दिन गिनने की समझते अपना दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना हर एक दिन गिन करके बिताएगा। मतलब एक भी दिन व्यर्थ जाने नहीं देगा। मतलब ये भी एक फर्क है हमारे जीवन में। मैंने आज का दिन बर्बाद किया क्या? अभी हम आज शाम के टाइम पर एकत्र थे, दिन भर हमने क्या किया? और हर एक लोग विश्राम में जाने से पहले शायद अधिकतर लोग परखते नहीं मैंने आज के दिन में प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया है कि नहीं, ये बात को लोग परखता नहीं प्रियो। और रोज हमें परखना है, खास करके मानव जो प्रभु के साथ नाता जोड़ा है उनका जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। इसलिए प्रभु ने उनको समझ दिया है, प्रभु ने अपना वजन दिया है। इस कारण हम लोग हर एक लोग अपने जीवन में एक एक बातों में हम लोग ये बात को समझना चाहिए। जैसे हमने कल मनन के लिए लिया था दो शब्द वापस एक बार पढ़ेंगे, पहला तस्लोनी क्यों 5:21 वचन, सब बातों को परखो। और पहला योना 4:1 वचन, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो और आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब कई बार हम लोग आत्मा का कंट्रोल में है कि नहीं, ये भी परखना जरूरी बात है। कई बार हमारे से होने वाला काम प्रभु की ओर से या आत्मा से भी नहीं हो सकता। इसलिए मतलब अपने को भी परखना है। मैं जो भी मतलब आज अभी इस वक्त में मतलब विचार कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सोच रहा है, ये भी आत्मा की ओर से है क्या? है ना। मतलब आपको सबको याद है कि जब शमरिया के लोगों ने प्रभु को नहीं स्वीकारा तब याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास आकर के एक सवाल पूछता है। वो क्या पूछ रहे हैं आपको मालूम है ना? लूका उसका 9:55 में, 55 में उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो। हाँ देखा, तुम कौन सी आत्मा के अधीन में है तुम नहीं जानता। अभी वो लोग बोलता है कि अभी एलिया ने जैसे किया था अभी आग उतरवा करके इन लोगों को खत्म कर देते है। देखा, प्रभु बचाने के लिए आया और प्रभु से परमिशन मांग रहा है इनको खत्म करने के लिए। हम बोलू क्या? अगर आपका अनुमति है तो बोल देता हूँ। देखा मानो कौन से आत्मा है ना प्रियो। प्रभु की आत्मा कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी किसी का भी निंदा करना, बदनाम करना, किसी के खिलाफ सोचना, ये सब हम एक अलग आत्मा का अधीन हो जाता है तभी होता है। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। मानो किसी के खिलाफ में सोचना तक कोई भी बात को नेगेटिव थॉट्स लाता है, शैतान लाता है। विरोध करना, दूसरे के ऊपर दोष लगाना, आपको याद है जब प्रकाशित वाक्य 12:10 की आखिरी में, प्रकाशित वाक्य 12:10 की आखिरी में हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, दोष लगाया करता है। देखा, दोष लगाया करता है, दोष लगाने वाला आत्मा। अगर किसी का दिल में ऐसा कोई मतलब विचार भी आ गया तो तुरंत हमें कब्जा करना है। ऐसा उनके बारे में हमारा बुरा ही नहीं सोचना प्रभु। प्रभु के लोग हमेशा पॉजिटिव विचार में होना चाहिए। परंतु कई लोग मालूम नहीं हमेशा प्रभु के आत्मा का अधीन नहीं रहता, शरीर के अधीन रहता, शारीरिक रीति में सोचता, दुनिया की रीति में सोचता, अभी तक सोच नहीं बदला। प्रभु में आने के बाद में भी मन नहीं बदला, सोच नहीं बदला, अभी भी मतलब विरोधी कार्य करके। मैं आपको कई बार बोला ना, अगर आपका
शांति की वातावरण बिगड़ जाता है तुरंत जानना विरोधी ने कुछ चाल कहना है, इसलिए मैं अशांति में हूँ, घबराहट में हूँ, डर में हूँ। ऐसा कई बात जो आता है तब हमें जानना चाहिए ये प्रभु की ओर से नहीं, कुछ तो विरोधी कार्य कर रहा है। प्रभु हमेशा हमारे इस हमारा आत्मिक जीवन में हमारे इस दुनिया की यात्रा में हमेशा हमें परखना चाहिए, है ना। कभी भी बदल सकता है। अभी देखो ना, अभी आपको सबको मालूम पत्रोस को प्रकाश मिला, थोड़ी देर में शैतान काम किया देखा है कितना जल्दी मैंने कब्जा किया है। इतना अच्छा प्रकाश मिलने के बाद में प्रभु के साथ प्रभु से सर्टिफिकेट भी मिल गया, ये तुझे मानव स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया है, और तेरा इस प्रकाश में मैं मंडली बनाने जा रहा हूँ, क्या बड़ा सर्टिफिकेट है। थोड़ी देर में मानव चैतन्य ने कब्जा किया, देखा। कोई भी व्यक्ति को है ना, अभी इतनी बैठे बैठे कितनी बार शायद अगर आप परखेगा तो आज आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप प्रभु की आत्मा का अधीन देख करके सुनते रहेगा तो आपको समझेगा, परंतु आप जब आत्मा में नहीं रहेगा आपको आने वाला वजन तक भी नहीं समझेगा, वजन भी नहीं समझेगा। तुरंत आपको आप बाइबल पढ़ता है, कई बार आप पढ़ता है क्या पढ़ा आपको समझ भी नहीं आया, क्यों नहीं मारे मालूम है, अब आत्मा के अधीन नहीं था, ये बुद्धि से समझेगा नहीं। फिर तो हमेशा हमें आत्मा का अधीन होना, आत्मा हमें हरेक बातों को गोपाल गोरिंदी उसका दूसरा अध्याय का 11-12 वचन पहला गोरिंदी केवल परमेश्वर की आत्मा। देखिए इसका मतलब क्या है कि मैं उस आत्मा का अधीन रहेगा तभी मैं उन बातों को भी समझ पाएगा। प्रभु ने मानव ये बात बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें उसका दस वचन बांटा, देखा प्रभु ने प्रभु की आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जो कि प्रभु जो हमारे लिए तैयार किया है। ये बात मानसिक रीति में नहीं समझ सकता, ये सिर्फ आत्मा के द्वारा ही समझ सकता है। यदि हमें कोई भी बात को समझना है तो प्रभु हम प्रभु की आत्मा का अधीन हो जाएगा, आत्मा हमें बराबर समझाएगा, हर एक बात को समझाएगा, प्रभु की आत्मा को समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं लगता। इसलिए पहली बात आप ये भी प्रार्थना भी करता है, आजकल प्रार्थना भी कैसे करता है, जैसे करना चाहिए ऐसे नहीं करता, करता है क्या समझ ही नहीं लोगों को, जैसे बच्चे लोग 100 डिमांड दे दिया हमें चलो जल्दी रिप्लाई नहीं मिला चलेगा, ऐसे ही क्या नहीं, वास्तव में हम कैसे प्रार्थना करते हैं, ठीक प्रार्थना जीवन बिताता है क्या, एक घंटा प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, एक बड़ा लिस्ट पूरा पढ़ करके सुना करके आमेन किया, वो प्रार्थना है क्या नहीं। वास्तव में प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का अर्थ ही एक बड़ा व्यक्ति से बात करना, बड़ा व्यक्ति से छोटा व्यक्ति प्रार्थना मतलब बात करेगा तो ज्यादा बात कौन करेगा, छोटा व्यक्ति करेगा बड़ा व्यक्ति करेगा, तो फिर अभी अपन बड़ा हो गया ना, क्योंकि जो भी बोला अपन बड़ा दिया प्रभु को सुना करके अब चल दिया तो कौन बड़ा हो गया, अपन कृति में ऐसा करता है। तो हमारे काम क्या होना चाहिए, अब थोड़ी बात प्रभु को बोल करके ज्यादा बात प्रभु से सुनना चाहिए, अभी अपने को प्रभु को सुनने का हालत नहीं, इसलिए प्रार्थना प्रार्थना नहीं होता एक जल्पना होता, इसलिए बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होता। प्रार्थना की तरफ आप मन करेगा तो प्रभु को जो भी बात अगर बताया उसका पूरा उत्तर लंबा उत्तर रहेगा, वो पूरा सुनेगा, हम 5 मिनट बात करेगा बाकी 55 मिनट प्रभु बात करेगा, वो है ओरिजिनल प्रार्थना। आप शांत रहो और प्रभु क्या कह रहे हैं सुनो, प्रभु उसका जवाब देगा और प्रभु आपको कुछ बात बताएगा, हमें सुनना है, बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हर एक बातों में हमारा प्रभु में ज्ञान बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन अधिकतर समय में हम लोगों ने प्रार्थना ये बात समझा, जो भी हमारा डिमांड पूरा प्रभु को वस्तु में लिख दिया, प्रभु यीशु के नाम से आमेन अपन चल दिया,
ऐसा एक दो का लोग कहता है, ऐसा उसको प्रार्थना एक्चुअली नहीं बोलते है ना। हमारे यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह सर्व पिता की उपस्थिति में शांत रहा। कौन बात किया? पिता बात किया, पिता का बात सुना। पुत्र ने बहुत कम बात किया परंतु पिता ने बात किया। तो ओरिजिनल प्रार्थना हमें प्रार्थना की रीति में सीखना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद हो, हर एक दिन में हमारे जीवन बदलना चाहिए। पहले से बढ़कर के हमारे आत्मीय जीवन में यीशु मसीह हमारे में जीवन जीता है, ये बात का गवाही चाहिए। आज मैं सही में प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के चल पा रहा है कि नहीं, आत्मा मुझको अगुवाई कर रहा है कि नहीं, ये बात को हमें समझना चाहिए। कौन सी आत्मा का आज हम अधीन है ये बात को हमें समझना। अगर हम सही में बहुत शांत अवस्था में है, शांति में है, आनंद में है, तो प्रभु हमारे में आनंद है ना। सही प्रकार अभी भी हम प्रभु की उपस्थिति में बहुत अपना दिल को एकाग्र करना, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को सुनने के लिए और एकदम आत्मा का अधीन करना। और कोई मतलब हमारा दिमाग में कोई नेगेटिव विचार को भी आने नहीं देना है ना। बिल्कुल पूर्ण रूप में प्रभु के आत्मा का अधीन है, ये बात को यकीन करना। आपको मालूम है, मतलब योग ने एक बार एक सवाल पूछा, योग 13:9 में, यदि प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? क्या बोला? यदि प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? इसका मतलब क्या है कि प्रभु भली बात हमें अपने आप को परखना चाहिए। हमारे परख में ही कमी निकलना है तो फिर प्रभु परखेगा तो क्या होगा है? एकदम हालत क्या रहेगा? बहुत नाजुक रहेगा है ना, बहुत बुरा रहेगा। प्रभु हमें परखेगा तो हमारा भला होगा क्या? ऐसा तरह के रूम है ना, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जानते? हाँ, वह तुमको जान जे तो ये भला होगा क्या है ना। अपना हरेक लोगों का हरेक बात, हम लोग एक एक काम भी करने के बाद में हमको परखना चाहिए, ये काम से मेरा प्रभु प्रसन्न हुआ है क्या है? प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ तो आपको काम करने के बाद में एक सच्चा तसली नहीं मिलेगा, एक सच्चा आनंद नहीं मिलेगा है, ओरिजिनल आनंद। एक सच्चा आत्मा में आनंद पाना है तो उसमें प्रभु प्रसन्न होना ही चाहिए है ना, हर एक बात को। इसलिए हमारे हरेक बातों के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए है ना। पहला शामुएल 2:3 के आखिरी में एक ही शब्द है, पहला शामुएल उसका 2 उसका 3 का आखिरी शब्द, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है और वो सर्व कृति तोलुं पहाड़ों। कौन सा शब्द है? तीसरा का लास्ट, लास्ट में ना। हाँ, लास्ट में सारे कृत्य तोलने वाले तोल करके देखता है, है? हाँ, मतलब उतना अंडरलाइन करके रखना है, कभी और भी मैं कभी पढ़ा सकता है। तो मतलब बोलने के अर्थ हमारा हरेक कृत्यों को प्रभु तोल कर देखता है, प्रभु तोल कर देखता है। प्रियो, हमारा तोल में बराबर निकलेगा तो भी वो अच्छा होना जरूरी नहीं, हमारा तोल में अगर अच्छा निकलेगा तो भी वो अच्छा होना प्रभु की दृष्टि में अच्छा होना जरूरी नहीं। क्योंकि हरेक लोग मतलब शायद अच्छा समझ करके करता है। जब निधि वजन उसका 16 का 2 प्रोवेक्स चैप्टर 16:2 दृष्टि ने हाँ उसकी दृष्टि में सब शुद्ध है, परंतु परमेश्वर आत्मे तोलुं पहाड़ों। देखा, परमेश्वर तोलता है। परमेश्वर तोलने के टाइम पर प्रभु क्या कहता है? हमारे दृष्टि में हमको अच्छा लेगा, सही लेगा, तो भी प्रियो हमें उसमें तसली नहीं करना चाहिए। प्रभु का हरेक लोग, खास करके मैं आपको बोलता हूँ मंडली के लोग, हरेक बात वजन के द्वारा आत्मा से परख करके जान करके आगे बढ़ना चाहिए, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आपको मालूम है पुराने नियम में दानियेल 5:27 में मतलब दानियेल जा करके मतलब दरियावेश राजा को एक बात पकड़ के देता है, वो जो लिखा हुआ शब्द का अर्थ बदलने के टाइम पर बोला, परमेश्वर ने तुझे तोला तो कमी पाया गया। क्या बोलता? हल्का पाया गया, हल्का पाया गया। देखा, हल्का पाया गया बोलने का मतलब वो व्यक्ति का उसी दिन अंध होने लायक के कारण बना। देखिए प्रियो, प्रभु हमें तोलेगा। परमेश्वर की उत्तराजू में कैसा है? कई बात, इवन मैं आपको बोलता हूं,
अपना मन भी गवाही दिया तो भी उसमें भी तसली नहीं करा। लिखा ना जब पहला पहला योगना तीसरा अध्याय का 21 हो जाए, पहला योगना 3:21। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, देखा हमारा मन दोष नहीं देता, मतलब मैंने कुछ गलत किया करके उसका मन में मतलब ऐसा कुछ लगता ही नहीं, तो भी तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखा परमेश्वर के सामने हमको याब होता, परंतु उस याब में भी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 4:5। इसलिए जब तक प्रभु न क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। देखा वो शब्द कितना मतलब महान है, प्रिय मेरा मन मुझको दोषी नहीं ठहरता तो भी मेरा परखने वाला प्रभु है। मतलब प्रभु जब परख के प्रभु की परख में मेरी अवस्था क्या है, ये बात को हमें जानना है। बहुत सुंदर बात है, मेरा प्रभु मुझको परखेगा उस समय में मेरा अवस्था क्या है। प्रियो हम लोग हरेक लोग प्रभु की दृष्टि में हमारा काम कैसा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। इसलिए आज एकदम साफ साफ प्रभु का इतना सुंदर वचन हमें मिला, ये वचन के द्वारा हम हरेक बात हरेक काम को देखो। बहुत बातों में लोगों का दिल गवाही देता है कि जो तू कर रहा है सही नहीं, फिर भी वो झूठा तसली के लिए कर देता है, अच्छा बोल करके, लेकिन प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं रहता। और आनंददा में आपको बहुत बड़ा मतलब दुख उठाना पड़ेगा या नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए अनेक बातों को प्रभु हमें अच्छी तरह समझाता है। हमें इन बातों को समझना चाहिए, वचन का आधार में हमें समझ करके हमारा कदम बढ़ाना चाहिए, तभी उस दिन भले और विश्वासियों के करके प्रभु कहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कल हमने दो बात को देखा था, कौन कौन सी बात देखा? पहले मतलब हमारा प्रेम जो है वो एकदम सच्चा प्रेम है कि नहीं, वो बात को हमने मतलब परखने के लिए बताया। आपको वजन याद है ना? याद के लिए वो एक वजन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिंथी 8:8। तो ये तो बार बार भी पढ़ाएगा तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि याद आना चाहिए और दिल में रहना चाहिए। मैं आज्ञा की रीति पर नहीं, परंतु दूसरे के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम्हारा प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए, तुम्हारा प्रेम की सच्चाई वास्तव में प्रेम करता है क्या? जो भी अपन करता है वास्तव में प्रेम में करता है क्या? सच्चा प्रेम, इसमें कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम में करता है, ये परखना है। अनेक बातों में हमें ये काम को परखना है, और प्रेम के बिना करना सब धोखा है, कोई लाभ नहीं करके हमने देखा। दूसरी बातें हमने क्या देखा? उत्साह को परखना, वो भी एक शब्द पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 8:22। हमने उसके साथ अपने भाइयों को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के, देखा बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है। देखा बहुत बातों में उत्साही पाया, कितना बड़ी बात है। ऐसे लोगों को हम कोई भी काम सौंपेगा तो हम लोग असली कह सकता है कि वो बहुत उत्साही है, वो काम पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, उनसे वो काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा बात है, उत्साही लोग है तो, आलसी लोग है तो उस पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं, और जो उत्साही है तो हम भरोसा कर सकता है, वो काम कर देगा, क्योंकि वो उत्साही है, अपने को उन पर भरोसा कर सकता है ना। ये दो बात हमने देखा। तीसरी बात आज हम देखेगा कि मतलब दूसरा कुरिन्थी उसका 13:5 उसके 5 मतलब विश्वास की परख क्या है? विश्वास की परख। ये बहुत, ये एक एक शब्द एक एक बात पवित्र लोग बहुत गहराई से जानना पड़े, क्योंकि मतलब कई लोग विश्वास में नहीं है, दिखावा में विश्वासी है पर विश्वास में नहीं है,
तो हमारा जीवन में ये बात को फरकना है, प्रियो मेरे विश्वास में है कि नहीं। हाँ पढ़िए उसको, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकल में निकले हो। देखा, मतलब यीशु मसीह हमारे में दिखने लाए कि हमारे विश्वास का जीवन प्रकट होना चाहिए। बोलने का अर्थ यीशु मसीह को प्रकट करके जीने वाला जीवन, विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह दिखना चाहिए, अनेक बातों में यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह को प्रकट करके जीने वाला जीवन है विश्वास का जीवन। यीशु मसीह हमारे में है तो यीशु मसीह की प्रभुता हमारे में है, अनेक कामों में मसीह दिखाई देगा, मसीह का गुण दिखाई देगा, ये सबसे बड़ी बात है। अनेक बातों में आपको मालूम है ये विश्वास ये हमारा एक छोटी सी बात नहीं। आप जो भी काम करता है वो काम अगर विश्वास से नहीं करता है तो आपको मालूम है वो पाप है ना। रोमियो उसका 14 अध्याय का 23 वचन, रोमियो चैप्टर 14 वर्स 23 बहुत गहरी बात है। हाँ 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 देखा, जो विश्वास से नहीं हुआ पाप है। देखा भैया, इसका मतलब हम लोग कैसे लोग है, विश्वास से जीने वाले लोग करके अवकाश करता है, सही बात है। विश्वास से चलने वाले लोग करके हम अवकाश करता है तो हमारे हर एक बातों में क्या दिखना चाहिए, विश्वास दिखना चाहिए। हाँ विश्वास का काम दिखना चाहिए। देखिए मतलब यीशु मसीह में आने के बाद में हमारे जीवन किस प्रकार बदलता है वो बात का आप थोड़ा अच्छी तरह समझना। जैसा प्रेषित पौलुस अपने जीवन में एक गवाही देता है गलातियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय 20 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। देखा, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, ये है एक सच्चा मसीह जीवन। मतलब मैं नहीं जी रहा है, मसीह मुझ में जी रहा है। देखा, पौलुस के जीवन में कहीं भी कोई भी साइड से देखेगा तो हमें यीशु मसीह दिखाई देगा, यीशु मसीह की गुण दिखाई देगा, यीशु मसीह की स्वभाव दिखाई देगा। प्रियो, मसीह को जीने का अर्थ भी बहुत लोगों ने अभी तक नहीं जाना। बोलता है विश्वासी है परंतु विश्वास का थोड़ा भी गुण उसमें नहीं। एक मतलब कभी भी कोई भी समय में ये जो विश्वास शब्द जो है वो पुराने नियम से हम लोगों का जीवन पे देखने में आता है। अभी उड़ा ले जाने वाला हम हर एक विश्वासियों का चाया है आनुक, सबको मालूम है ना। देखिए आनुक के जीवन को हम देखता है, ज्यादा शब्द नहीं पड़ेगा, मतलब आदम से सातवा पीढ़ी का आनुक, ये हम यूदा का पत्री 14:15 वचन में पढ़ता है। लेकिन उस आनुक के जीवन में हम देखेगा तो उत्पत्ति 5:24 वचन में कहता है आनुक प्रभु के साथ चला। क्या बोलता है उत्पत्ति 5:24 वचन, देखिए परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर लोभ हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उड़ा लिया। ठीक है, अभी ये हम पर एक बात को जानना है, हानोक प्रभु के साथ चला, लोभ हो गया। अभी यह लोभ होने का कारण भी आपको जानना चाहिए, उसके एक बड़ा कारण है ना। जब इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 5 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय का 5 वचन, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखा, मतलब विश्वास से चलने वाला व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, प्रभु को प्रसन्न करके चलेगा। अभी एक बात यहाँ पर जाने वाली बात है, प्रभु हानोक के साथ चला या हानोक प्रभु के साथ चला? हानोक प्रभु के साथ चला बोलो,
आनो आनो प्रभु के साथ। कोई डाउट नहीं है? प्रभु आनो के साथ चला नहीं, आनो प्रभु के साथ चला, इसका मतलब क्या है? आनो के नहीं बोला प्रभु। आज हम मॉर्निंग वॉक में 8 बजे चलेंगे, ठीक है अनुक, मैं 8 बजे आता हूं, ऐसे बोला नहीं बोला प्रभु। बोला अनुक हमें 4 बजे चलना है, ओके प्रभु। क्या बोला? अनुक कहने के अनुसार प्रभु नहीं चला, प्रभु के चलने के अनुसार अनुक चला। हम लोग क्या बोलता? हम लोग बोलते प्रभु को मैंने जो बोला प्रभु ने माना, हम साथ चला। आपका जीवन में आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन मिला ही नहीं सकता। प्रियो में हर एक बातों में हमें प्रभु का कहना मान करके प्रभु के साथ चलना है। हम अपनी मन इच्छा प्रभु को बोल करके प्रभु को जबरदस्ती करके लेकर जाना चाहेगा तो आप किसी कारण प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। मतलब हरेक बातों में हमको ये बात को जानना है कि मतलब अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें प्रभु के साथ चलना है। अगर साथ चलना है तो आपको मालूम है आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक दो जन एकमत नहीं होता साथ में नहीं चल सकता। इसका मतलब परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप में अनोक हर बात मानने के लिए तैयार था। हम लोग कई बार माना सुनाने वाले एक बात है कि हर रोज बाकी जाता था, बहुत बातें सुनाता था, आपस में बहुत बात होता था, तो मतलब वापस अनोक घर छोड़ के प्रभु जाता था। एक दिन बात करते करते बातों में मजा बढ़ गया तो ज्यादा चल दिया तो प्रभु ने बोला अनुक अभी तेरा घर बहुत दूर है, मेरा घर बहुत नजदीक है, चलो मेरे साथ। वो प्रभु के साथ चला गया। आज जो प्रभु के साथ प्रभु को प्रसन्न करके चलेगा प्रभु इस रीति में उड़ा लेकर जाएगा। मैं प्रभु के साथ चल रहा है कि नहीं ये बात को यकीन करना, ये बात को हमें यकीन करना है। इसलिए अनेक पवित्र लोगों को ये समझना है मैं आज वास्तव में विश्वास में चलता है कि नहीं, मेरा जीवन एक विश्वास का जीवन है क्या, मुझमें मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है। एक विश्वासी जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? हाँ, मसीह का इच्छा में जीवन बिताना, तब मसीह जी रहा है। प्रभु का हर एक इच्छा को हाँ करना, कभी ना ना करना। आज के दिन में हमने प्रभु की कितनी बातों को हाँ किया और उसी रीति में जीवन बिताया, अपने को इतना परखना है। प्रभु की इच्छा सुबह प्रभु ने जगाया था, जगाया कि नहीं? जगाया। उड़ाया कि नहीं? उड़ा। सुना है कि नहीं? नहीं सुना। क्या सुना? प्रभु हरेक लोगों को सुना मैंने उड़ाता ना, प्रभु सुबह जगाएगा। एशिया 50:4 देखो, प्रभु हफ्ता में एक दिन संडे के दिन मेरा जगाएगा, ऐसे है क्या? ऐसे नहीं, नित्य रोज डेली नित्य जगाता। अब प्रभु को वाणी सुनने के लिए प्रभु कान खोलता, अभी भी हम कान बंद करके सो जाता। इतना भयंकर अटीला स्वभाव है। देखो प्रियो, हमें रोज प्रभु को सुनना है, प्रभु को सुन करके उसके अनुसार हमें चलना है, क्योंकि प्रभु को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास में मजबूत हो जाता है, विश्वास में हम जड़ पकड़ लेता। पिछले दिन में भी पढ़ा था पड़ोसियों 12:23 पड़ोसियों 12:23। हाँ, तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, पहला है। हाँ, देखिए
हमारे विश्वास में हर दिन परखना है, विश्वास में दृढ़ बना रहना, हमारा हर एक कदम विश्वास के अनुसार होना चाहिए। ये दुनिया में हम जब रहता है, दुनिया में एक विश्वास की जीवन की यात्रा बहुत कठिन है, इतना हल्का नहीं। प्रभु के लोगों को विश्वास की यात्रा में यीशु मसीह ही एक बड़ा आदर्श है। पिता को सुन करके, पिता का इच्छा में बना रह करके यीशु मसीह जीवन बिताया, वो बात हमारे जीवन में लाना है। क्योंकि इब्रानियों 11:38 में लिखा है, दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था, दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था। मतलब कई बार कई रीति में हमें ठोकर खाने का बहुत बात आ जाता है किसी न किसी प्रकार, क्योंकि ये दुनिया कभी भी भक्तों को, विश्वासियों को साथ नहीं देगा, कहीं ना कहीं ठोकर खिलाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब पिता के साथ प्रार्थना करने के टाइम पर भी एक अनोखा शब्द कहा, मालूम है ना, योहन्ना का सुसमाचार उसका 17:16, योहन्ना का सुसमाचार देखा है, यीशु मसीह संसार का नहीं, वैसा प्रभु के लिए अरे क्या वो लोग भी संसार का नहीं, वो संसार के रीति में नहीं चलता, अन्य लोगों की रीति में नहीं चलता, उनका हर एक चाल चलन यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिला करके है ना। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया और एक सच्चा विश्वासी यात्रा के लिए प्रभु ने हमको मतलब अपने साथ देता है, इस बात का एक सबूत है। अगर हम दुनिया हमको साथ देता है तो हम प्रभु का चुनौती पाया करके संदेह करना पड़ेगा, कर ही नहीं सकता। जब योहन्ना 15:19 देखा, देखा वो प्रयोग देखा, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये बात बड़ी बात है ना, एक सच्चा विश्वासी को ये संसार कभी भी नहीं स्वीकार कर सकता। उन लोगों के लिए बहुत भारी है विश्वासी, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में आज इस जीवन की यात्रा में आप सोचिए, अगर आज हमारा आखिरी दिन है तो ये शब्द उठाकर कह पाएंगे क्या? इस प्रेस पौलुस ने अपने आखिरी शब्द क्या बोला था अपने जीवन के अंत में है ना, दूसरे कुरिन्थियों 4:7-8, मैंने देखा इसको बोलो मसीह जीवन क्या है, एक बड़ा कुश्ती है, एक बड़ा कुश्ती है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मसीह जीवन क्या है, एक बड़ा दौड़ है, इसके मतलब मसीह जीवन एक कुश्ती भी है और मसीह जीवन एक दौड़ भी है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ देखा, मैंने विश्वास का रखवाला किया, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मैं विश्वास जीवन में कभी डगमगाया नहीं है, कहीं ना कहीं विश्वास है गिराने के लिए विरोधी ने बहुत प्रयास किया, परंतु मैंने विश्वास को रखवाला किया, मैंने विश्वास को जाने नहीं दिया, मैं विश्वास में बना रहा, मैं विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा लड़ाई लड़ा। इतना बड़ी बात है प्रियो, देखा विश्वास में बना रहने के लिए हमें एक लड़ाई लड़ना पड़ता है, विश्वास का एक बड़ा लड़ाई। याकूब भी बोलता है, याकूब 12:3 का 3 में देखा, विश्वास फर्क कहा जाता, विश्वास फर्क कहा जाता, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमारे एक बहुत लोग ये बात को जानना है, आज प्रभु यदि हमारे विश्वास का जीवन को परखेगा तो हम कैसे दिखेगा, ये बात को हमें जानना है। इसलिए हर एक बहुत लोग आज भी मैं सही में विश्वास से चलता है कि नहीं, मेरे विश्वास क्या जीवन कैसा है, मैं हर एक काम विश्वास से कर पा रहा है कि नहीं, प्रभु ने मुझे दिया हुआ वो वचन और वायदा याद करके उसके अनुसार मैं चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना पड़ेगा, मैं विश्वास में है कि नहीं ये बात परखो।
बोले के मतलब मुझ में मसीह जी रहा है कि नहीं, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरा हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना हर एक पवित्र जन का कर्तव्य है। आज मैं अपने जीवन को परखेगा तो मुझमें मसीह दिखेंगे क्या, यीशु मसीह मुझमें जी रहा है ये बात मुझमें दिखने में आएगा, मेरे मुझे प्रभु आज के दिन में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाया, ये बात को परखेंगे। ओके, अभी चारवा बात मानो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें परखना चाहिए। चारवा बात वो हमारा हरेक लोगों का अपना काम है, हरेक लोगों का अपना काम। देखिए बहुत बड़ी बात है ना, कहलाती हो उसका 6:4 पर हरेक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। देखिए हरेक लोग अपने अपने कामों को परख ले, बहुत सुंदर शब्द है। आज बहुत लोग कई काम जो करता है मानो प्रभु की महिमा के लिए नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए करता है, लोगों को कुछ करने के लिए करता या कुछ और मतलब के लिए करता, ऐसा काम स्वर्ग में कुछ भी मूल्य नहीं, मूल्य नहीं। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में हमारा काम कैसा है आपको मालूम है, जब पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय, पड़ोसियों उसका 3 अध्याय उसका 22 से पढ़ना। हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है सब बातों में इनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। आज अधिकतर भक्ति अधिकतर कार्य सिर्फ लोगों की दृष्टि में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी शो करने के लिए कार्य करता है। और आगे, परंतु मन की सीधाई, देखा मन की सीधाई, देखो हमारा एक काम मन की सीधाई होने का मतलब क्या है ना, पूर्ण रूप में पूरा मन से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य में होना चाहिए, मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझ कर की मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। उसका 24 ही पढ़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। देखिए हम प्रियो हम हरेक लोग ये बात को जानना है, हमें प्रभु से मिराज मिलना है, दुनिया से नहीं, दुनिया की तारीफ नहीं है ना, दुनिया से मिलने वाला ताली देख करके सवासी देख करके हम कभी भी भूलना नहीं है, मैंने कुछ किया करके सोचना नहीं, रोना चाहिए वहां पर है, वहां पर रोना चाहिए। प्रियो यहां पर मन की सीधाई से, वो बहुत बड़ा गहरा प्रयोग है, मन की सीधाई से अनेक काम करना, एकमात्र लक्ष्य उनके जीवन में प्रभु को प्रसन्न करना है। आपको मालूम है वो जो शिमोन के बात हम लोग प्रेरितों का 8:21 में मानो पत्रोस बोलता है, तेरा मन प्रभु की दृष्टि में सीधा नहीं। देखा वो एक प्रयोग बहुत गंभीर है, मतलब जो भी कार्य वो जो काम कर रहा था, प्रभु का दास कहता है तेरा मन प्रभु का दृष्टि को, थोड़ा वचन पढ़ेंगे उसको, तेरा मन प्रभु के आगे सीधा नहीं। प्रियो आज कल कामों को स्वर्ग देखता है तो प्रभु तोलता है तो हमारा काम सीधा था क्या है, हर एक बातों में सिर्फ प्रभु का महिमा चाहते हुए कार्य किया या अपनी प्रशंसा के लिए किया, लोगों को दिखाने के लिए किया, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा शो करने के लिए किया, सारे बातों में हमें प्रभु के उपस्थिति में प्रतिबल नहीं मिलेगा। यहां पर वो प्रयोग है उसका 23 वचन वापस पढ़ना, तुम जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। देखा प्रभु के मतलब मनुष्य के लिए कर रहा है लेकिन
वो भी मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए कर रहा है, ऐसे करो। मनुष्य के लिए करने वाला काम को भी मैं प्रभु के लिए करता हूं, उस हृदय से उस मन से हमें करना। मतलब वो काम कितना स्टैंडर्ड रहेगा, इतना वफादारी से होगा, क्योंकि प्रभु इस काम को तोड़ेगा, प्रभु आनंदित होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा काम कैसा है, है? अधिकतर काम आप सच्चा दिल से थोड़ा फर्क हो पी, अभी तक विश्वासी जीवन में जो किया वो काम को जरूर परखो, सच में प्रभु से इनाम पाने लायक कि कुछ किया क्या। तो हमारो प्रयोग बहुत गहरा है, मानो उसका 24 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिराज मिलेगी। प्रभु से मिराज मिलेगा, है? प्रभु से मिराज मिलने लायक काम करना है। आज ऐसा कौन सा काम किया जो प्रभु से मिराज मिलेगा, प्रभु की महिमा के लिए आज कौन सा काम किया प्रियो? एक भी काम किया करके आपका दिल गवाही देता है क्या? प्रभु ने आपने इतना अच्छा दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, खाना दिया, अनुकूल परिस्थिति दिया, अनुकूल वातावरण दिया, इतने जगह पर इतना गर्मी है, मानो कितना समस्या है, पर तो ऐसा कोई भी बात नहीं होते हुए भी इतना सब कुछ अनुकूल अवस्था में प्रभु रखने के बावजूद भी हम प्रभु के काम में आया क्या? आज का काम के द्वारा मैं प्रभु से क्या मिराज मिलेगा? एक व्यक्ति को भी हम प्रभु में प्रोत्साहन कर पाया है, लेकिन बाथरूम के लिए कुछ देर प्रभु से विनती कर पाया, किस रीति में प्रभु का महिमा किया, ये हमें परखना है। नहीं तो हम कई काम करता है, सिर्फ हमारे लक्ष्य क्या है, लोग हमको भक्ति जानना चाहिए, उसको प्रभु का जन कर सकता है? नहीं नहीं, क्योंकि गलातियों उसके पहला अध्याय का 10 वचन, गलातियों पहला अध्याय का 10। मैं क्या मनुष्य को बनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला वो एक दिल ले करके काम करता है तो मसीह का दास नहीं, प्रियो वो प्रभु का जन का काम नहीं। प्रभु के लोग मनुष्य को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करता, प्रभु का दिल जान करके इसके लिए एक खास अवस्था हमारे जीवन में चाहिए। मैंने कल आपको नाम पढ़ाते हुए एक बात बोला था, लेकिन आज वो बात पढ़ेगा। रोमियों के पत्री में जब 6 अध्याय उसका 15-19 तक का वचन, तो क्या हुआ? हाँ, क्या हम इसलिए पाप करें? हाँ, क्या हम व्यवस्था के अधीन नहीं? हाँ, अनुग्रह के अधीन हैं? हाँ, तथापि नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंप दो। अभी आप थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे। एक मिनट, गुलाम शब्द ये बात है, आप अंगुली में गिनती करना, यहाँ पर अभी एक गुलाम शब्द आया। ओके, नंबर 1 एक गुलाम, हाँ, ज्याची आज्ञा तुम्ही मानता त्याचे तुम्ही गुलाम आहात। 2 ज्याचा परिणाम मरण आहे अशा पापाचे गुलाम किंवा 3
ज्याचा परिणाम नीतिमत्व आहे अशा आज्ञापालनाचे तुम्ही गुलाम आहात. चार. हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पाच. तरी ज्या प्रकारच्या सुखोजीच्या पत्री तुम्हाला बांधण्याचे पालन तुम्ही मनापासून केले आणि पापापासून मुक्त होऊन तुम्ही नियम नीतिमत्वाचे गुलाम झाला म्हणून देवाची स्तुती असो. अरे तुमच्या देह स्वभावाच्या दुर्बलतेमुळे मनुष्य व्यवहाराप्रमाणे मी बोलतो आहे कारण जसे तुम्ही आपले अवयव वैराचार करण्याकरता अमंगळपण व वैराचार यास गुलाम असे समर्पण केले होते तसेच आता आपले अवयव पवित्रीकरणाकरता नित्यमत्वाला गुलाम असे समर्पण करा. कितना है? बस बस हो गया. देखिए 16 से 19 तक का चार भजन में 8 बार गुलाम शब्द आया. क्या आया? गुलाम. मतलब हिंदी में दास आया लेकिन हिंदी में आखिरी में 19 में गुलाम आया. लेकिन एक्चुअली गुलाम ही आना चाहिए. दासी है 19 में भी लास्ट आसी है दासी. एक्चुअली मतलब स्लेव डुलोस मतलब गुलाम वो उसका शब्द है. तो बहुत बड़ी बात यहां पर हमें ये बात को जानना है. मतलब प्रभु का भक्ति करने वाला हरेक भक्त जन अगर वो विश्वासी है तो आपको ये जानना है मैं एक गुलाम है. मैं एक गुलाम है. देखो आप प्रभु का दास नहीं है तो भी आप एक गुलाम है. आप प्रभु का दास नहीं प्रभु का भक्त नहीं है तो भी आप गुलाम है. किसका गुलाम? पाप का. किसका? पाप का. है ना? अभी पाप का गुलाम. अभी हम लोग उस पाप का गुलाम में था जब योहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन. हाँ पर यहूदी लोग मतलब बोलता है कि हम कभी गुलामी नहीं रहा. अभी जब गुलामी नहीं रहा बोलने के टाइम पर भी वो लोग गुलाम में था. वो भी प्रभु जो चाहता है उनको बताने के लिए वो इस दुनिया की गुलामी के बाद नहीं था. वो एक अलग गुलामी था. वो गुलामी के बारे में यहाँ पर 8:34 में प्रभु यहूदियों को समझाता है. हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है. देखा वो पाप का गुलाम है. जो हमारे जीवन में प्रभु ने उस पाप की गुलामी से हमें मुक्त किया हमें आजाद किया. ये हरेक पवित्र लोग अच्छी तरह जानना. मतलब पहली बात मैं एक गुलाम हूं. बहुत पवित्र लोग ये बात को नहीं समझता. मैं एक गुलाम हूं. देखिए जब दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 5 वचन में पेटर पौलुस अपना जीवन के बारे में प्रभु के लिए सेवा में इतना बढ़ने का कारण क्या मालूम है? उसका वो गुलाम स्वभाव. वो गुलाम करके अपने आप को जाना. इसलिए आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में इतना घमंड चढ़ गया जबकि वो पौलुस के जैसा नम्र बनने के लिए तैयार नहीं. आप पढ़िए उसको. क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और हम अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे गुलाम हैं. देखो वो है हम प्रभु के मतलब यीशु मसीह के कारण हम तुम्हारा गुलाम है. किसका? विश्वासियों का भी गुलाम. ये अनुभव में आने के लिए हमें कितना सीढ़ी उतरना पड़ेगा. एक बात यहां पर क्लियर जानना है. प्रभु ने हमें आजाद किया. मैंने आपको कई बार ये बात बताया है यादाश्त के लिए क्योंकि अपना उतना एक खूब क्या है कि बहुत जल्दी भूल जाता है. इसलिए तो समस्या है ना. एक बार एक बाजार में 20 साल का एक लड़की बाजार में बिक्री करने के लिए लाया. अभी आपको मालूम है वहां पर वो लड़की को खड़ा किया तो वो लड़की का दिल तड़पता है क्योंकि अभी कौन आएगा और मुझे ले जाएगा तो मेरा क्या होगा है. वो इतना घबराहट के साथ खड़ा है. उस समय में अभी वहां से बहुत लोग आकर के देख के मतलब ये बहुत हाई डिमांड दे रहा है. लोग
उसे कम करके वाइस कर रहा है, लेकिन अचानक वहां पर एक मिशनरी आया, मिशनरी ने उसको देख करके उसकी अवस्था देख करके तरस आया, उसने उसको जो बोला हुआ दाम में खरीदा है, बहसबाजी नहीं किया, बोला हुआ दाम में खरीदा, और बाजार से बाहर लाने के बाद में वो मिशनरी उस लड़की को बोला, देखो बेटी आज से तुम आजाद है, आज से तुम आजाद है। कभी भी ये बात कान में सुनने के लिए कभी सोच नहीं सकता, और तो ऐसा समय में अभी ये मिशनरी बोलता है आज से तुम आजाद है। वो लड़की का दिल इतना टूट गया, वो लड़की उस मिशनरी की पापस्थान में गिर करके बोलता है, स्वामी मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर के जीने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे आप आजाद करके मत भेजो, मुझे आजाद करके मत भेजो। वो उसके पाँव पकड़ता है, पाँव पकड़ करके फिर वो मिशनरी ले जाता है, तो उसका जीवन भर वो उस स्वामी का कैसे सेवा करेगा, कैसे सेवा करेगा? पहली बात प्रेम से और दिल से, जीवन भर वही जीवन है मसीह जीवन। क्या समझा? वही जीवन है प्रियो, मसीह जीवन, मसीह जीवन। प्रभु ने हमें जब कह रहा पांच एक में क्या बोलता, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र किया, प्रभु ने बोला अभी तू स्वतंत्र है, लेकिन हमें कहना है प्रभु यीशु आपने मुझको स्वतंत्र किया, पर तो अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका सेवा करूंगा। क्या बोला? मैं प्रभु आपका सेवा करेगा। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, हमें अपने आप को प्रभु का गुलाम होकर के प्रभु की पाद स्थान में समर्पण किया वो जीवन है सच्चा मसीह जीवन। पर तो कितने लोगों ने ये बात को जाना, कितने लोगों ने इस रीति में आजादी मिला ना, आजादी पाने के लायक था नहीं, नहीं हम इस रीति में गुलाम का बाजार में खड़ा था, प्रभु हम पर दया किया, उधर गुलाम मतलब बहुत गुलाम है सबको वो सब मान लिया नहीं, एक को लिया, ऐसे अरब अरबों से हमको एक को लिया, प्रभु ने हमको बचा लिया। प्रभु बचने के बाद में हम लोग वापस उस स्वामी को भूल करके अपने मनमानी में जीना बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है ना। मसीह जीवन में इसी प्रकार इतना बड़ा प्रेम दिया हुआ, इतना बड़ा छुटकारा दिया हुआ है। आपको मालूम है एक गुलाम को अभी ठीक है, अभी ये स्वामी के पास में भी रहना है तो चाप रहना पड़ता है, क्या रहना पड़ता, मोर लेना पड़ता, क्योंकि एक गुलाम को एक गुलाम से दूसरा स्वामी लेगा तो पहले क्या करता, उसको ले जाने के बाद में उनके घर में और भी गुलाम रहता है, वो गुलाम लोग आकर के इसका हाथ पाँव बांधेगा, बांधने के बाद में उसको उल्टा लेटाएगा, लेटाने के बाद में उनका जो सील जो है लोहा का वो गर्म करके बिल्कुल लाल लाल करके उसका पीठ पर लगाएगा। ओ गुलाम ऐसा चिल्लाता है, आपको मालूम है देखा, लेकिन जब तक वो पूरा उसका सील का पक्का ये नहीं आता वो ऐसा करके फिर निकालेगा। उसके बाद में जो दूसरा स्वामी का जो सिक्का था उसको तोड़ने के लिए एक क्रॉस दो लोहा गर्म करके क्रॉस मारेगा। कितना तड़प है, कितना वहेंगे तड़प है, क्योंकि अभी ये नया स्वामी का है, ये गुलाम अभी नया स्वामी का है, फिर उसको कितना तड़प होता है, हमारा भी स्वामी ने लिया हमको और उसने भी मोर लगाया, लोहा से नहीं गर्म करके नहीं, हम पर भी मोर लगाया है प्रियो। वो मोर कैसे लगाया मालूम है ना, एपीसी में बना जाएगा 13 बजे और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा क्या लगाया, पवित्र आत्मा का छाप। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको दर्द लगा? थोड़ा भी दर्द नहीं लगा, प्रभु ने पवित्र आत्मा का चाप अंबर लगाया। आपको मालूम है
चाप लगाने का अर्थ उसका स्वामी प्रभु है। और मालूम है ना, ये रोड में कभी कभी साइड में बड़े बड़े पेड़ का पीस ऐसा तोड़ कर डाल कर रखता है, पीस करके उसमें क्या रहता, एक सील रहता गवर्नमेंट का, तो कोई भी लेकर जाएगा नहीं जाएगा, किसका भी हिम्मत नहीं कि उसको ले जाए। अगर गवर्नमेंट का चीजों में सील लगाए हुआ चीज लेता नहीं, तो परमेश्वर ने जिस पर सील लगाया उसको कौन छू सकता, कितनी बड़ी बात है। प्रियो, प्रभु ने हम पर सील लगाया है, प्रभु बोला ये मेरा है। और आपको मालूम है, एक गुलाम बोलेगा तो वो स्वामी का संबत है। क्या है? स्वामी का संबत है, उनका धन्य हो। ठीक है, आज उधार पाए हुआ हर एक लोग कौन है? प्रभु का संबत है, संबत है। और एक और भी एक बात बताऊं, प्रियों, एक गुलाम के दिल में एक बात इच्छा रहता है, स्वामी को हर प्रकार आनंदित करना। क्या करता? स्वामी को, अभी आजकल गुलामी माना गुलाम बोलेगा तो लोगों को समझना कड़ी नहीं है, लेकिन पहले पहले जैसे आज हमारा आजकल बकरियों का भेड़ भैंसों का बाजार होता है, ऐसा आदमी का भी बाजार होता, आदमी को गुलामी में भेजा जाता था। भैया उस समय की बात बहुत भयंकर है, चरित्र पड़ेगा तो इतना मतलब वेदनाजनक बातें है, अपन उधर ही नहीं जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अगर गुलाम है तो वो गुलाम कभी भी स्वामी का कोई भी इच्छा पूरा करने के लिए उत्सुक है। कभी भी एक गुलाम स्वामी को, स्वामी अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया स्वामी, ऐसा नहीं बोलेगा, जो भी ऑर्डर देगा तुरंत करेगा। स्वामी मैं रात पर सोया नहीं स्वामी, ऐसा नहीं बोलेगा। हम लोग एक चीज बोलता है क्योंकि अभी तक हम प्रभु का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या समझा? प्रियो, प्रभु प्रसन्न करने वाला काम करना है तो पहली बात हमें वो गुलाम अवस्था में पहुंचना है, गुलाम अवस्था में पहुंचना, स्वामी की हर एक बात मानने के लिए तैयार रहना। यीशु मसीह जब ये दुनिया में जीवन बिताया, एक गुलाम होकर के जीवन बिताया, गुलाम होकर के जीवन बिता करके पिता का यहां तक आज्ञाकारी रहा। फिलिप्पियों 2:8 देखा, हमारे यीशु मसीह जब ये दुनिया में जीवन बिताया, यीशु मसीह कभी भी अपनी इच्छा पूरा नहीं किया, यीशु मसीह हमेशा भेजने वाला पिता का इच्छा पूरा किया। यही तो बात है प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमें हमारे कामों में प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमको ये बात को जानना है। आज मैं प्रभु का खरीदा हुआ एक गुलाम हूं और मुझे मेरे जीवन का हर प्रकार मुझे मेरा स्वामी को प्रसन्न करना है, ये बात का हमारे अंदर एक बोझ चाहिए, वो दर्शन चाहिए। ऐसा नहीं है आप एक सच्चा एक मसीह जीवन, एक सच्चा बीजी जीवन नहीं बिता पाएगा। आज हम लोग कई बार कई बातों में मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूंगा, अगड़ता है, वो एक गुलाम का स्वभाव नहीं पियो। एक गुलाम व्यक्ति इतना भी निंदा की बात कहेगा तो मैंने निंदा क्यों किया ऐसा पूछेगा, गुलाम नहीं पूछेगा। आपने मेरा निंदा क्यों किया, मुझे गाली क्यों दिया, मेरा बदनाम क्यों किया, पूछेगा? एक गुलाम कभी नहीं पूछेगा। हमारा प्रभु हमारे लिए गुलाम बनाए तो प्रियो वही मार्ग हमारा है। हमारा हर एक काम प्रभु को दिल से प्रसन्न करके करना है तो हमें एक गुलाम का मनोभाव होना चाहिए, एक गुलाम का दिल चाहिए, एक गुलाम का आज्ञाकारिता चाहिए, एक गुलाम का सच्चा प्रेम चाहिए, तभी हमारा काम जैसा ईयोब बोलता है ईयोब 23:10 में,
यदि प्रभु मेरा काम को परखेगा तो सोने के समान में बाहर आएगा, सोने के समान में बाहर आएगा। प्रियो, हरेक पवित्र लोगों को ये बात मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हमको कभी भी विरोध करने वाला अगर ऐसा स्वभाव है तो है मतलब बहुत दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है। अगड़ना नहीं प्रियो, उबे हर बात में ये सर कभी नो नहीं बोलना। प्रभु जो भी बोलेगा हर एक बातों में यस, मैं आपका गुलाम, मैं आपका गुलाम, प्रभु मैं आपका बात मानने के लिए तैयार। इसके लिए मरना चाहिए, एक सही समर्पण चाहिए, एक सच्चा शिष्यत्व का जीवन के लिए एक अच्छा दर्शन चाहिए। मैकेडोनिया विराट पाने के बाद में फिलीपींस में जाकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाया, पहले एक लुधिया प्रभु में आया, कुछ खुशी में मैकेडोनिया विराट बहुत अच्छा बोल करके जंप कर रहा था, तब एक दुष्टात्मा बाद स्त्री पीछे ले गया, अच्छा बात बोला, ये लोग प्रभु का दास लोग है, प्रभु का बड़े बड़े वेद की बात बोलता है। और उसने उसके अंदर से दुष्टात्मा को निकाला, क्या हो गया, देश गिर गया, लोग आकर के पिटाई करके जेल में डाल दिया। अरे मैकेडोनिया बुलावट जेल में भेजने के लिए था, एक पुरुष मैकेडोनिया से चिल्ला कर बोला हमारा मदद करो, कौन था वो पुरुष, क्योंकि लुधिया एक स्त्री था, यहां पर पुरुष को देखा है ना। देखा वो, देखा उसने है? लेकिन वो पुरुष नहीं मिला, एक स्त्री उधार पाया। हेलो, पुरुष स्त्री हो गया करके सोचा ऐसे ही क्या, नो दर्शन बराबर है। लेकिन जब जेल में गया वामरो पुरुष मिला, वामरो पुरुष मिला। प्रियो, प्रभु का मार्ग का महत्व जानना, प्रभु के लिए एक गुलाम होकर के कोई भी अनुभव में आनंद से सेवा करने के लिए तत्पर रहना, निराश नहीं होना। अरे हमने तो ऐसा प्रभु भेजेगा तो जेल में भेजेगा क्या, ऐसा सोचना नहीं। वहां पर पुरुष इसलिए मदद मांगा था और बच गए। हम लोग सोचने वाला मार्ग नहीं प्रभु का, ये किसको प्रकट होगा जो सच्चा गुलाम है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए मसीह का गुलाम हूं। प्रियो, एक सच्चा गुलाम होकर के जो भी काम किया आनंददा में बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु से पाएगा, क्योंकि गुलाम जो भी करता है तो किसके लिए करता, खुद का प्रशंसा के लिए नो, वो सिर्फ प्रभु का प्रशंसा के लिए। हमारे में पहले पहले समय में बंदरगाह से एक जहाज दूसरे बंदरगाह में जाता है तो वो जहाज जाने के लिए वो जहाज को चलाने वाला कौन है, गुलाम लोग है। गुलाम लोगों को चेन से बांधा हुआ है, वो लोगों के घूमने के अनुसार चक्कर घूमता है तभी ये जहाज आगे बढ़ता है। एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में जाएगा ये जहाज पहुंचा कैसे, मैन किसका, गुलाम का, महिमा किसको, कैप्टन को, किसको, कैप्टन को। प्रियो, हमारे एक ही कैप्टन है, वो हमारे यीशु मसीह है, हमारा गुलाम होगा हर एक कामों से, हमारे यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। समझने वालों के लिए धन्यवाद। प्रियो, हम गुलाम होकर के मैंने इतना काम किया, मेरे को कोई शाबाशी नहीं दिया, ऐसा कोई कंप्लेंट गुलाम को है नहीं। अरे उधर आने के बाद में किसी ने कोई चाया भी नहीं पिलाया तो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं।
हमारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने चाहिए, हमारे जीवन के एकमात्र लक्ष्य प्रभु का महिमा होने चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमारा हरेक कामों को परखे। प्रभु एक गुलाम की भावना में, गुलाम की आज्ञाकारिता में, गुलाम की नम्रता में, गुलाम की प्रेम में, गुलाम जैसा परिश्रम करता है आखिरी तक वो स्वामी के लिए परिश्रम करता है, ऐसा परिश्रम करने के लिए प्रभु हमारे में चाहता है। और तो हमारा भावना क्या है, हमारा मन का भावना क्या है, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। और वो भावना से अगर हमने काम नहीं किया तो हम लोगों ने शायद जाने अनजाने धोखा खाया, उस समय में प्रभु के तराजू में कमी पाया जाएगा। बहुत विशिष्ट बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। जरूर मैं आग्रह करता हूँ हम लोग थोड़ा अपने आप को परखना चाहिए। चार बात को हमने अभी तक देखा, बाकी तीन बात रह गया। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल आपको बताएगा। बहुत गंभीर बात आगे तीन बात है। तो प्रेम को परखना, उत्साह को परखना, विश्वास को परखना और हमारे काम को परखना। ये चार बात आप लोग ये सुनने के बाद में जाकर परखना प्रियो। कई बार क्या होता है, सुनकर जाता है, डेरी भी रहता है, परख कभी नहीं होता। फिर मरने के बाद में या उधर जाने के बाद प्रभु परखेगा? नहीं 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 प्रियो, अभी करेक्ट करो। अपने जीवन में बहुत से बातों में हमें बदलने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। हमें अपने आप को और भी नम्र और दीन करने की जरूरत है। हमें बहुत मरने की जरूरत है, मन फिरने की जरूरत है। और ऐसा नहीं करेगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसलिए एक ही मौका, ये मौका को नष्ट नहीं करें। प्रभु जरूर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को नाम को महिमा मिले। आमीन।